बंद करके बहुत जेंटली आराम से अपने सराउंडिंग्स की एक अवेयरनेस जहन में और दिल में ले आए कि आप कहाँ हैं, धरती पे किस तरह सेटल्ड हैं, क्रॉस लेगेड बैठी हुई हैं इस वक्त, और फिर एक गहरी सांस लें। और ये सांस ऐसी है जो नाक से इनहेल करें और महसूस करें कि वो रीढ़ की हड्डी से ऑल द वे डाउन हिप्स की तरफ जा रही है। और जब हिप्स की तरफ आपकी अटेंशन आए तो आप इमेजिन करें कि आपके बोन स्ट्रक्चर का, आपकी हड्डियों का ग्रेविटी से एक रिलेशनशिप है, और इन दिस मोमेंट आप बिल्कुल ग्रेविटी की तरफ अपने वेट को सरेंडर कर रहे हैं। अनदर डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल, और साथ ही शोल्डर्स को रिलैक्स कर दें, जॉ को रिलैक्स कर दें। और जो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने की एबिलिटी, सुनने की सलाहियत, उसको इमेजिन करें कि वो सेंस हमें ओपन हो गई है बहुत ज़्यादा, और आप फील कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को सिर्फ अपने हियरिंग सेंस से, सुनने की सलाहियत से।
Just taking a deep breath, gehri saans, in towards the heart. और इमेजिन करें कि जैसे आप सांस ले रही हैं, आपके दिल को सुकून मुयस्सर हो रहा है और उसके साथ ही आपके सारे जिस्म को, टांगों को, पैरों को, बाजों को, सब एक सुकून की लहर आप इनहेल कर रही हैं। और जब एक्सहेल करें तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई ऐसी सोच जो तंग करती है, जो परेशानी का रीज़न है, उसको इमेजिन करें कि आप ज़मीन में इन अ सेंस दफना रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं ज़मीन में। एंड देन वेरी जेंटली आहिस्ता से वेरी जेंटली आंखें खोलें और मेडिटेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम कहते हैं ट्रांजिशंस बहुत ज़रूरी हैं। ट्रांजिशंस का मतलब है कि जब आप एक कैफियत से दूसरी कैफियत में जाते हैं तो कभी उसको सडन ना किया करें, चाहे वो किसी से मिलना मिलाना हो, खाना पीना हो, बच्चों से बात करनी हो, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, झटके में ना मूव करें, स्मूथली मूव करें ज़िंदगी में। और ये हमारे मज़हब में भी ये टीचिंग है, अखलाक इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर रिलीजियस ट्रेनिंग। और वो धीमे धीमे अखलाक से, आहिस्ता से, आराम से उस ट्रांजिशन में, एज़ यू ओपन योर आइज, जेंटली बस अवेयरनेस आ जाए कि आप कहाँ हैं, जिस कमरे में हैं उसकी रोशनी कैसी है, अगर हवा चल रही है तो उसका क्या एहसास आपको आ रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप। ये खुदा की तरफ से नेमतें हैं जो 24 घंटे हमेशा हमें मुयस्सर हैं, दे आर अवेलेबल टू अस, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, जिनका हम फ़ायदा नहीं उठाते, जिससे हमें, हमारे जहन और जिस्म को कितना फ़ायदा है। तो जस्ट टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली बिकमिंग अवेयर अपने एनवायरनमेंट के, अवेयरनेस के साथ वी कम बैक टू आवर बॉडीज। थैंक यू सो मच तानिया काजी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आपने देखा, तानिया काजी योगा एक्सपर्ट हैं, शी इज़ अ योगी, शी इज़ अ मेडिटेशन गुरु। एंड यहाँ पर हमने एक मेडिटेशन की जो कि आपके बिज़ी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप कर सकते हैं, उस जहनी सुकून के लिए, उस फोकस के लिए, उस अटेंशन के लिए जो हमें ज़िंदगी में दरकार होती है। हम यहाँ पे अपने अपने योगा मैट्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप योगा मैट पे बैठ के ये करें। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है, ज़मीन पे बैठ जाएं, तानिया से पूछेंगी, काउच पे बैठ जाएं। सो तानिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। एंड सुबह सुबह ये मेडिटेशन करके आपने तो मेरी जो है ना वो आंखें खोल दी हैं लिटरली। आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास योगा मैट्स ना हो, जो अभी आपने मेडिटेशन की है, तो क्या हम कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं आप, सोफे पे कर सकते हैं आप, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं आप, खाना खाने से पहले जब मेज़ पे बैठते हैं, अगर ये दो सांस आप ऐसी ले लें जिससे आप अवेयर हो जाएं, आपको एक अवेयरनेस हो जाए अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की, इस लम्हे की, तो आप उसके बाद बिस्मिल्लाह करके खाना खाना शुरू करें, वो हर चीज़ में एक नरमी सी आ जाती है, एक फोकस, एक एक्सपेंडेड फोकस जिसको कहते हैं हम लोग, अवेयरनेस एक और किस्म की आ जाती है, एक जेंटलनेस आ जाती है हमारे तौर तरीके में, जो हम लोग जिसकी बहुत ज़रूरत है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं तानिया, हमें पता तो होता है मगर अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत होती है। आपने जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो अमूमन हम ये भी कहते हैं कि जो शुक्रगुजारी है, जो ग्रैटिट्यूड है, वो कितना ज़रूरी है। तो तानिया, क्या सिर्फ ये बोल देना काफ़ी है कि शुक्र है मेरे पास ये है, या शुक्र है कि मैं कोई भी ज़िंदगी में अगर चीज़ हो, या फिर उसके लिए कोई अलग से टाइम निकालना ज़रूरी है? एक्चुअली आयशा, आई थिंक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हैं कि हमारी तहजीब में और हमारे कल्चर में और रिलीजन में शुक्राने की कितना एम्फेसिस है इस बात पे। हम हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं। ये तो एक हम लोग बातों में करते हैं, कैजुअल एक तरीके से बोल देते हैं, या मगर एक और भी तरीका है जिससे आप कॉन्शियसली इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, वो ये कि मेरी जो ट्रेनिंग के साल थे US में, उसमें हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल रखवाया गया था। कहते हैं कि
35 से 40 दिन लगते हैं ब्रेन के जहन के साइनेप्सिस चेंज करने में। आदतें जो होती हैं वो जहन में बहुत गहरे तरीके से गड़ी हुई होती हैं, पुरानी आदतें, और उन्हीं को तोड़ना और उन्हीं को चेंज करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो कहते हैं 35 से 40 दिन होते हैं अगर आप एक चीज़ रिपीट करते हैं तो वो आपके ब्रेन के उसमें ग्रूव्स बन जाते हैं, गिरे मतलब एक तरीके से एक रास्ते बन जाते हैं, नए साइनेप्सिस डेवलप हो जाते हैं और वो आदतें पुरानी चेंज होकर नई आदतें बन जाती हैं। तो अगर 40 दिन के लिए एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें या सोने से पहले आप अपने हाथ की उंगलियों पे 5 चीज़ें याद करें कि आज अल्लाह मियाँ आज इन चीज़ों का मैं शुक्र करती हूँ। हाँ कि मैंने सर पे छत थी, खाना खाने को मिला, सुकून की नींद सोई मैं कल रात, या बच्चों से अच्छी तरीके से बात की, बच्चों ने पढ़ाई सही की, मतलब जो भी स्मॉल थिंग्स, कोई बड़ी इतनी यू नो कोई आफत चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज द स्मॉल थिंग्स आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, उन्हीं से तो ज़िंदगी बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप 5-10 चीज़ें रोज़ रात को याद करके, हमें तो लिखाया जाता था, हमें तो कहते हैं आप जर्नल रखें ताकि आप बाद में जब बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में हो या स्ट्रेस में हो तो वो जर्नल आपके पास हो, बेड साइड पर आप खोल के कभी देख सकते कि अल्लाह का शुक्र है मैंने इतनी ये चीज़ें मेरे साथ होती आई हैं और मैंने इन चीज़ों का शुक्र अदा किया है। बिल्कुल। उससे आपके ब्रेन की रिवायरिंग शुरू हो जाती है और ये 35-40 दिन का काम है। रोज़ रात सोने से पहले अगर हम ये प्रैक्टिस रखें तो उससे हमारे परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं, दुनिया को देखने का तरीका, लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पे तानिया ने बताई है। और अगर हम इसको प्रैक्टिस करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है ना वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें शुमार करें। फॉर इंस्टेंस अगर मैं शुमार करूँ, सेहत है मेरे पास, मेडिटेशन की है आज मैंने सुबह सुबह तानिया के साथ, लंच में मैं बिरयानी खाऊँगी, वक्त के हिसाब से हम जो चीज़ें आज मैंने प्लान की हुई थी वो उसी तरह से चल रही हैं, और पांचवी चीज़ कुड बी एनीथिंग, जब मैं घर वापस जाऊंगी तो अपनी बिल्ली से मुलाकात करूंगी, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, राइट। अच्छा तानिया, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हमने अभी प्रैक्टिस की है योगा मैट पे बैठ के, आपने कहा कहीं भी बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी के बारे में आप बता रही थी, क्या ज़रूरी है कि हम स्ट्रेट बैठें, कंधे नीचे की तरफ रखें? सो आयशा, इसमें ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो। अब उसमें कुछ लोग सीधा बैठने के बाद थक जाते हैं, और ख़ासकर ज़मीन पे सब लोग नहीं बैठ सकते हैं, घुटनों का दर्द होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ होती है, तो आप लेट के भी एज़ लॉन्ग एज़ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। मगर हम ये भी कहते हैं कि अगर वो भी नामुमकिन है इन सम केसेस, तो आप सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं, आप रिक्लाइनिंग कुर्सी पे भी कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज आप अपने आप को 1-2 वो मिनट दे सकते हैं जिसमें आप कुछ सुकून अपने जहन में और अपने जिस्म में महसूस कर सके। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि जब जिस तरह से अभी हमने की, एक म्यूज़िक थी, आपकी बातें थी, क्या ऐसा मुमकिन है मेडिटेशन में कि कोई म्यूज़िक ना हो, कोई बातें ना हो और एक खाली दिमाग हो और आंखें खुली हो या बंद हो, उसमें आप क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं? आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है, बिकॉज मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन का लफ्ज़ तो हमने आजकल यूज़ करना शुरू किया है ना। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, इसको ज़िक्र और फ़िक्र भी हम कह सकते हैं, ये तो सदियों से इंसान करता आ रहा है। और पुराने ज़माने में मेडिटेशन का जो साउंड होता था वो समंदर के पास जब लोग चलते थे और समंदर की लहरें सुनते थे तो वो नेचुरली, ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, इंसान उस कैफियत में आ जाता था, उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता था कि वो एक थॉटफुल प्लेस में या एक पीसफुल प्लेस में चला जाता था। साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि अगर बॉनफायर होती है या आग कहीं जल रही होती है, इन द सेंस कि जैसे सर्दियों के ज़माने में लोग जलाते हैं, कराची में तो इतनी सर्दी नहीं होती मगर नॉर्थ वगैरह में, तो वो जो उसकी शुआएँ हैं उनको भी देख के पुराने ज़माने में लोग एक सकते में चले जाते थे। सो दीज आर थिंग्स जो नेचर ने वैसे ही क्रिएट किया। अच्छा, उसके अलावा परिंदों की चहचहाट, वो एक खुद कुदरत की तरफ से एक नेचुरल म्यूज़िक है जो हमें दिया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो भी मुयसर, अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो कभी हवा चल रही होती है, वो तो आप सेंस कर सकते हैं, वो तो आप अपनी स्किन पे फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भी एक क्लू होता है, वो भी एक दरवाज़ा है, वो भी एक ज़रिया है जिससे आप अपने खालिक से, यू नो मेडिटेशन इज़ मीटिंग योर सेल्फ एंड मीटिंग योर क्रिएटर थ्रू योर सेल्फ। तो ये क्योंकि वो सब हल्की हुई चीज़ें हैं ना, तो हवा की लहर भी फील करके आप उस जगह जा सकते हैं, आप अपने माइंड को ओपन रख सकते हैं कि आई एम फीलिंग दिस टच फ्रॉम नेचर
एंड वो चीज़ आपको उस कैफियत में भी ले जा सकती है. ब्यूटीफुल इंटरनल सुकून. ब्यूटीफुल. यहाँ पे इंटरनल सुकून मुझे तो जनाब हासिल हो चुका है मेडिटेशन करके. यहाँ पे एक मिनट मैं गहरा सांस दोबारा से लूँगी, आप लोगों के पास वापस बहुत सारी एनर्जी लेके आऊँगी, बिकॉज उसमें ऑफकोर्स इस ट्रांजिशन में जैसे कि आपने भी कहा कि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से ये ट्रांजिशन करें, और इसके लिए दरकार होगी हमें एक अदद ब्रेक. ब्रेक पर जाते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं. तानिया काजी हमारे साथ ही मौजूद होंगी, मज़ीद इनसे जानेंगे मेडिटेशन के बारे में. और जो मेडिटेशन करवाई है ना द वंडरफुल तानिया काजी ने, उससे मैं तो चार्ज हो गई हूँ, आंखें मेरी खुल गई हैं, अलर्ट मुझे और ज़्यादा फील हो रहा है अपना आप. और अब हम बात करेंगे कि मेडिटेशन अगर आपको समझ में नहीं आता कि भाई क्यों ज़रूरी है, या तो ये तो एक प्रिविलेज है, या ये तो जो हम कहते हैं ना कि तो अमीर लोगों की कहानी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. पहली बात तो ये, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ ये माइंड का गेम है और आपकी जो आपकी विल कि आप करना चाहते हैं. दूसरी चीज़ ये कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, करें क्यों, फ़ायदा क्या है सुकून का जो हमें मेडिटेशन से मिलता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ तानिया आपसे. आयशा, सबसे पहले तो जो आपने मेंशन किया शुरू में कि एक सुकून, आराम और एक फोकस, मेडिटेशन से ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जो सब्र और तहम्मुल ले आते हैं ना अपने, नॉट जस्ट इन योर माइंड, थॉट्स में नहीं, बट इन योर बॉडी. हम लोग ऐसी ज़िंदगियाँ जीते हैं कि हम लोग सिर्फ जहन में होते हैं सारा वक्त, और जहन ऐसे चल रहा होता है नॉन स्टॉप, हमें बॉडी अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी. और जितने सेल्स ब्रेन में हैं उससे ज़्यादा सेल्स बॉडी में हैं जिनमें एक एक सेल में इंटेलिजेंस है, और वो हम एक्सेस नहीं करते. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा तहम्मुल, गहरी सांस लेना, बिकमिंग अवेयर ऑफ़ योर फीट, बिकमिंग अवेयर ऑफ़ योर हिप्स एज यू आर सिटिंग, उससे क्या होता है कि आप यू बिकम एक अलग किस्म की एक अवेयरनेस आ जाती है आपके अंदर. नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इतनी तेज़ी और इतनी रफ्तार से काम कर रहे होते हैं, फ़ोनों पे बात कर रहे होते हैं, बाज़ार जा रहे होते हैं, खाने पका रहे होते हैं, और वो ऐसा होता है जैसे आधे पूरे काम हो रहे होते हैं मगर चल रहा होता है सिलसिला. और जब आप ये प्रैक्टिस लाते हैं अपनी ज़िंदगी में, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो फिर आपके ये आधे आधे काम नहीं रहते, फिर आप हर चीज़ दिल से और पूरी तरीके से करते हैं, फुल अटेंशन के साथ. और उसका फिर जो सिला होता है वो भी उतना ही अच्छा होता है. तो इसके इस तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. बिल्कुल. और आप मुझे बता रही थी कि ऑफ कोर्स आप US में रहती हैं, इतना टाइम आपने वहाँ पे पढ़ाई की है, प्रैक्टिस करती हैं, दिस इज़ योर प्रोफेशन. तो मुझे तानिया बता रही थी कि जितनी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जब आप उसे रिकवर करते हैं, हम कहते हैं ना दवा भी है देन दुआ भी है, बट होलिस्टिक अप्रोच की यहाँ पे बात तानिया हमें बताने वाली है कि उसमें मेडिटेशन इज़ ऑल्सो क्रूशल पार्ट ऑफ इट. तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिनसे हमें कम्बैट करना आसान हो जाएगा अगर हम मेडिटेशन का भी सहारा लें? देखिए, इस वक्त आयशा अगर आप किसी भी मर्ज़ के साथ डॉक्टर के पास जाएं, तो अक्सर एंड में डॉक्टर कहेगा आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो दिल की बीमारी हो या कुछ भी हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी किस्म की भी कंडीशन हो, उसका कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से लिंक स्ट्रेस के साथ होता ही होता है, या जहनी कोई ऐसी तकलीफ़ हो, बीमारी हो. अब स्ट्रेस को किस तरह डील किया जाए? स्ट्रेस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. बिल्कुल. उससे तो कोई निजात नहीं है, वो तो ज़िंदगी जब तक जिएगा इंसान तब तक कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको अपसेट कर देगी. मगर उस वक्त ये चीज़ जब आप ये प्रैक्टिस डेवलप करते हैं ना, अगर आप रोज़ भी एक मिनट भी आपने, मैंने पिछले दफ़ा हम जब बात कर रहे थे तो अगर किचन में भी खड़े हुए हैं हांडी के ऊपर, एक मिनट आपने ले लिया अपने लिए कि मैं सुकून की एक सांस लूँगी, एक मिनट के लिए मैं कोई जिक्र कर लूँगी, कोई खुदा के नाम का एक विर्द कर लूँगी, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको फिर से एक एहसास हो कि भाई मैं इंसान हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं सिर्फ यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, दूसरों को सर्व करने नहीं आई हूँ, मेरा अपना भी कुछ है, मेरी अपनी भी कोई ज़ात है, मेरा अपना भी कोई अवेयरनेस है. व्हेन यू ब्रिंग दैट अटेंशन बैक टू योर सेल्फ, इट स्टार्ट्स टू स्लो यू डाउन. थोड़ा सा एक इंसान थम सा जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, and those things start to affect your stress level with time. It starts to help you slow down a little bit. Bilkul. So ये ऐसी चीज़ है कि मैं ये आपको नहीं कह सकती कि एक मैजिक पिल है, आप ले लें और आप बस जो है ना, आज आपने मेडिटेशन किया आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगी, नहीं. आज आपने एक मिनट किया, कल आप कोशिश करके डेढ़ मिनट करेंगी, दो मिनट करेंगी, यू नो, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा उसको आप इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये इन अ वे जिस्म की अपनी फार्मेसी आप एक्टिवेट कर रहे हैं. बिल्कुल.
बिल्कुल, मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन. ओह, मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन, एब्सोल्युटली. अच्छा, एक हमारे यहाँ जब हम स्ट्रेस की आपने बात की, पाकिस्तान में काफ़ी सारे शहर ऐसे हैं जिसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस है तानिया ट्रैफिक जैम. एक ज़माना था, एक पीक टाइम हुआ करता था ट्रैफिक का, अब कोई पीक टाइम नहीं है. मुझे प्लीज़ ये बताइए कि आप फंस गए ट्रैफिक में, आप चाहे ड्राइव कर रहे हों, चाहे आप बैक सीट पर बैठे हुए हों, क्या कोई ऐसा तरीका है कि उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर लिया जाए? यू नो आयशा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है और हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सारा वक्त ट्रैफिक में फंसे रहते हैं. ना सिर्फ ट्रैफिक, मगर कोई और ऐसी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा ओकेजन आए जब आपको फ़ील हो कि ये चीज़ मेरे हाथ से बाहर है. बिल्कुल, है ना, ये अवेयरनेस कि इसको मैं किस हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और किस हद तक मेरा इस पर कोई काबू नहीं है. यस, है. तो अगर हम इस चीज़ की अवेयरनेस ले आए, चाहे वो किसी के साथ इंटरेक्शन ही हो, या कोई एक डिफ़िकल्ट फ़ोन कॉल आ गया, या कोई ऐसी खबर मिल गई खुदा न खास्ता जिससे तकलीफ़ हो, उस वक्त इंसान अगर ये चीज़ याद रखे और अपने आप से पूछे कि इस सिचुएशन पर मेरा किस हद तक कंट्रोल हो सकता है, और आप ट्रैफिक में फंसे हैं क्या कर सकते हैं. अब हॉर्न बजाए चले जा रहे हैं, बजाए तो लाखों लोग बजा रहे हैं, वो सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादा, उससे किसी को सुकून नहीं मिल रहा, बल्कि और ज़्यादा लोग वाउंड अप हो रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं. ये वक्त ऐसा है, यहाँ कोई जिक्र कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ना उसका वर्द करने शुरू कर दें, या कोई खूबसूरत सा ख्याल जहन में ले आएँ, अपने जहन को डिस्ट्रैक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें, सोच हमारी अपनी नहीं होती, सोच कहीं से भी आ सकती है. जब मैं साइकोलॉजी पढ़ी थी कॉलेज में, जब मुझे प्रोफेसर ने ये बताया कि योर थॉट्स आर नॉट योर ओन, आपकी सोच आपकी अपनी नहीं होती, तो मेरी दुनिया चेंज हो गई थी कि मेरी सोच मेरी अपनी नहीं होती. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ख्याल तो कहीं से भी आ सकता है. किसी ने कोई बात की, कोई बात छिड़ी, एक बात से कोई और चीज़, मतलब, और अगर आप नोटिस करें तो एक ख्याल आएगा, फिर उसके बाद दूसरा ख्याल आएगा, और कभी आप बहुत नेगेटिव तरफ चले जाएंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. और जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे तो उससे आपकी हार्ट बीट को फ़र्क पड़ेगा, आपकी पल्स को फ़र्क पड़ेगा, आपके ब्लड प्रेशर को फ़र्क पड़ेगा, आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी. बिल्कुल, सही. तो जब कोई नेगेटिव ख्याल आता है जहन में, उसी वक्त आप रियलाइज़ करें मेरी सोच पे एज सच मेरा काबू नहीं है, ख्याल कहीं से भी आ सकता है. मगर उस वक्त अगर आप अपने आप को कहें कि नहीं, इसकी जगह मैं इसमें कोई अच्छी चीज़ ढूंढूंगी, या मैं इस ख्याल से हट के किसी और अच्छी तरफ अपना रुझान कर लूँगी, आपको इतना खुदा ने हमें इतनी तो तौफीक अता फरमाई है. इंसान तो इंसान कामिल, इंसान तो यू नो इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन. इतना हम में कंट्रोल है कि हम अपने आप को कह सकते हैं, मगर वो अपने आप को वक्त देना है, यू नो, वो गुंजाइश रखनी है कि मैं इस उस पर नहीं जा रही, इस स्ट्रीम में ऑफ थॉट में नहीं जा रही, मैं अपनी थॉट चेंज करूँगी, मैं नेगेटिव नहीं जाऊँगी, मैं पॉजिटिव सोचूँगी. और ये जो आपने कहा है ना कि ये चॉइस जो आपके पास है अपनी थॉट्स को चेंज करने की, एक मेरी बड़ी फेवरेट ऑथर है एलिजाबेथ गिलबर्ट, और वो कहती है कि रोज़ाना जिस तरह से हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या पहनना है, ऐसे ही सुबह सवेरे उठें और सोचें कि कौन सी थॉट हमें, किस थॉट से हमें अपने दिन का जो है वो आगाज़ करना चाहिए. exactly. so that वो ही जो है वो कंटिन्यूड रहे. exactly. अच्छा तानिया, एक बात बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं, मगर वो इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं हम वो पहाड़ों पे ना बैठे हुए हों, कहीं पूरा पूरा दिन ना करने लग जाएं. सो हाउ मच इज़ टू मच, और उसके क्या नुकसान हो सकता है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आयशा. देर इज़ सच अ थिंग एज टू मच मेडिटेशन. जब मैंने शुरू किया था 15 साल पहले अपनी सर्टिफिकेशन, तो मुझे याद है शुरू तो 15 मिनट से हुआ, मगर एक टाइम आया 2-3 साल बाद जब मैं 3 घंटे मेडिटेट कर सकती थी, मगर फिर मेरे मेंटोर ने मुझे मना किया क्योंकि मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया था, लोगों से मिलना मिलाना, मैं बहुत सेंसिटिव हो गई थी. क्योंकि जब आप देखें ना, सारे सेंसेस, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, उसके अलावा भी 5 सेंसेस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सेंसेस हैं. भूख लगती है, उसका भी एक सेंस, एक इल्हाम आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है, यू नो, सेंस ऑफ बैलेंस, ये भी एक सेंस है. बिल्कुल, ये सब आपके इतने शार्पन हो जाते हैं मेडिटेशन में कि हल्की फुल्की चीज़ भी आप फील करना शुरू कर जाते हैं. हर किस्म की एनर्जी आप पिक कर लेते हैं, और वो मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, आप इतने सेंसिटिव नहीं हो सकते. तो उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. 3 मिनट कर ली, 4 मिनट कर ली, 10 मिनट कर ली, चलें घंटा, अगर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है.
बट आई थिंक इतना ही करें, उसके बाद हमें तो दुनियादारी भी करनी है और रूहानियत को भी अटेंड करना है. बिल्कुल, हमारी तो यही टीचिंग है कि भाई दुनिया में भी रहना है और अपने खालिक के साथ भी कनेक्टेड रहना है हमें. सो वी हैव टू लिव इन बोथ वर्ल्ड्स. बिल्कुल, मेडिटेट भी करें और फिर उसको छोड़ के जिन चीज़ों को अटेंड करना है वो भी करें. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तानिया, मेडिटेशन के बारे में मैं ही कहती हूँ कि अगर कभी किसी ने नहीं की करके देखें, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. वो कहते हैं ना, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा. आप जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जिन्होंने कभी भी मेडिटेट नहीं किया है? दैट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. हमारी नमाज इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. मगर अक्सर नमाज पढ़ते हैं, जहन इधर उधर, बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं. अक्सर लोग बल्कि मुझे कहते हैं कि वो नमाज का ही टाइम है जब जहन हर जगह जाता है सवाए नमाज की तरफ. सिमिलरली विद मेडिटेशन, जब लोग बैठते हैं मेडिटेट करने तो कहते हैं उफ, मेरे जहन में तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मैं तो ये सोच रही हूँ. सारे जहाँ की परेशानियाँ मुझे उसी वक्त आती हैं जहन में जब मैं बैठ जाती हूँ सुकून से दो मिनट मेडिटेट करने के लिए. अच्छा, वो चीज़ बहुत नेचुरल है. ये तो जहन का काम है कि वो सोचे और वो रिजॉल्व करता रहे और वो सोल्यूशन ढूंढता रहे. अगर आप अपना ये एक्सेप्ट कर लें कि इसी तरह खुदा ने बनाया है, जहन इसी तरह चलता है, तो आप रिलैक्स कर जाएंगे. शुरू के 5 मिनट 4 मिनट आपका जहन इधर उधर चला जाएगा, आप 100 चीज़ें सोचेंगे, मगर फिर आप अपने आप को कहें कि ठीक है, मैं अटेंशन अब अपने सांस की तरफ वापस ला रही हूँ और ये तो चीज़ें चलती रहती हैं. आई एम कमिंग बैक टू माई सेल्फ, यू नो. और वो नमाज में भी आप एक फीलिंग रख सकते हैं. अगर आपका जहन इधर उधर चला जाए, इवेंचुअली यू कैन ब्रिंग इट बैक टू योरसेल्फ विथ योर ब्रेथ. विद योर ब्रेथ, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और इतनी अच्छी इन्होंने यहाँ पे जो है वो टिप्स शेयर की हैं. और आपने अगर कभी नहीं किया मेडिटेट, ज़रूर कीजिएगा. आप जैसे हमने कहा, चीज़ों को सही से अटेंड कर पाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, काम पे फोकस ज़्यादा होगा. और ज़्यादा नहीं करना, जितना ताना ने बताया है कि जब आपको फीलिंग आ जाए कि हाँ, इतने से मुझे अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, स्टॉप इट राइट देयर. ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है और जब हम वापस आएंगे तो आज क्या सीखे में मेरे साथ वो खातून होंगी जिनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता रही थी, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्रॉस स्टिच का काम करती हैं. हम आपको उनसे मिलवाएंगे. जल्दी से वापस आ जाइए.